हालत खराब हो रहा है। औरत लोग कैसे बैठी हुई भाई, डर नहीं लग रहा है लोग को। और भाई सबसे खासियत यहाँ का भाई देख लो भाई, मीम्स का यहाँ पे दुकान बन गया 6 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक। चलो मुड़ मुड़ के देख रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल A2 बाइकर। तो आज हम लोग जा रहे हैं सोनपुर मेला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मेला है। तो ये रहा महात्मा गांधी सेतु पुल, जो दोनों लेन स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से जाम बहुत कम हो गया है। तो वो रहा एक बाइक जिस पे मेरे दो दोस्त है, और पीछे है RC 200। ये रहा रवि, आइए अंकित राज। तो हम लोग 6 लोग जा रहे हैं और मेरे पीछे एक पिलियन है। तो ये व्यू देख लो भाई, कितना सुंदर है। गंगा जी उसके ऊपर हम लोग है। ये सब थोड़ा सा मस्ती मजाक हम लोग के चलते रहता है। और भाई देख लो, हम लोग 6 लोग हैं और 6 लोग के 6 लोग हेलमेट पहन के चल रहे हैं। तो सेफ्टी को देख के भाई एटलीस्ट हेलमेट पहन लिया करो यार। बड़ा बच्चा लोग मुड़ मुड़ के देख रहा है। तो ये रहा ब्रिज सोनपुर का, इसी के जस्ट उस पार है सोनपुर मेला। तो बहुत जाम लगा हुआ भाई, पूरा लंबा जाम लगा हुआ। तो इसके बाद मिलते हैं आपसे डायरेक्ट सोनपुर मेला में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं सोनपुर मेला। गाड़ी को पार्क करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक्सप्लोर करते हैं सोनपुर मेला को। हरिहर क्षेत्र मेल सोनपुर मेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। और चलते हैं, पार्किंग यही रहा गोलम्बर, इसी में यहाँ से पूरा उधर तक मार्केट है। और क्या के रखे, तो लाइन में पार्किंग करना पड़ेगा। मोटू दे रहा मेरा पार्किंग का पैसा। तो यहाँ से थिएटर स्टार्ट है, पायल लेक नज़र थिएटर। उसके बाद हम लोग एंट्री कर दिए हैं। ये संगत ग्रैंड, ये तो भाई बैंक्वेट हॉल है। इधर आपको मिल जाएगा अचार और क्या क्या है यार, ये सब खाने वाला, जलेबी वगैरह। यहाँ पे सुधा का बूथ है। Knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand. यहाँ पे कृषि के लिए सारा चीज इक्विपमेंट जो भी यूज करते किसान लोग, सारा यहाँ पे मिलेगा। पेड़ पौधा सब, जानकारी भी लेना है आपको खाद वगैरह के लिए, तो सारा चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से झूला स्टार्ट होता है भाई, देख लो कितना लंबा लाइन लगा हुआ है यार। हम लोग तो भाई लाइन ही देख के मन कर रहा है नहीं ले। और ये रहा मौत का कुआं, उसके बाद यहाँ पे ये सब झूला है, डांसिंग कार जिसको बोलते हैं।
उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसका चार्ज भी 50 रुपया है और इसका भी चार्ज 50 रुपया। और भाई मौत का कुआं अभी बन ही रहा है। उसके बाद यहाँ खाने के लिए आपको होटल चाट हाउस, फिर बॉम्बे बाजार है छोटा बच्चे के लिए, फिर नाव भी है, नाव अभी नहीं चल रहा है, और ये बहुत सारा भी है जो कंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद उलन बाजार है यहाँ पे, उसके बाद इधर टॉय शॉप है, यहाँ पे उलन शॉप है, यहाँ टी का है, मतलब सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। फिर इधर देखिए पूरा टॉय शॉप है, इधर हाथ में पहनने वाला, इधर घरेलू सामान, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स, भाई भरा पड़ा है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ। यहाँ पे मैजिक शॉप भी है। और भाई सबसे खासियत यहाँ का, भाई लोहा का सारा चीज़ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, चाकू छुरी भाई तलवार सब चीज़ मिलेगा, तरह तरह का मिठाई भाई यहाँ मिलेगा, एक से एक मिठाई है, हम तो नाम भी नहीं जानते हैं। कुतवर हर जगह आपको खाने का सामान मिलेगा। यहाँ पे ढोलक है, यहाँ रिंग है, यहाँ चश्मा का दुकान है, भाई सब चीज़ का दुकान है यहाँ। तो भाई आ गए हम लोग भारतीय डिज्नीलैंड मेला, यहाँ पे झूला है बहुत बड़ा है, उसके बाद आगे देखिए वहाँ है, उसके आगे भी है, भाई पूरा झूला का लाइनअप लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इधर टैटू शॉप है, बलून वाला जो हम लोग बचपन में खेलते थे वो भी है, और यहाँ तो झुलुआ का लाइन है भाई, लाइनअप पूरा लगा हुआ है। यहाँ जादूगर का भी है भाई। तो आगे ट्रेन है, ट्रेन जा रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं इस पे सबसे ऊपर वाला झुलुआ पे। और ये रहा भाई बचपन की यादें, यहाँ ट्रेन है तो इस पे जा रहे हैं, पूरा क्लिप दिखाएंगे आपको, कितना डर लगता है भाई चिल्लाने में, चिल्लाते हैं भाई बहुत हालत खराब होता है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं, ओ भाई रे हालत खराब हो रहा है, ओ भाई बहुत से तले पे झुमाए रे, अरे साला जय बजरंग बले, अरे भाई भाई औरत लोग कैसे बैठी हुई भाई, डर नहीं लग रहा है लोग को। तो देख लो भाई हम लोग आसमान की ऊंचाइयों पर, सौ भाई 100-200 लेके उतार दे, ओ भाई देख लो भाई इतना ऊंचा आ गए सब लोग सोनपुर के सबसे बड़ा झूला पे, भाई ना। तो आप घूम लिया, आप कितना घूमेगा बे, अरे 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 आराम से साले हम ही को गिरा दो तुम। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे के मार्केट की ओर, ये देखो भाई नजारा देख लो भाई, इसका कितना बोला 11,000, 11,000 का एक कुत्ता है इधर। और ये रहा हम लोग कुत्ता मार्केट आ गए है, इधर चिड़िया मार्केट है, खरगोश है, 250 ये हो क्या 250। तो ये देख लो भाई इतना पैसा देना होगा आपको यहाँ से निकलने के बाद, अगर कोई भी चीज़ लेते हैं तो यहाँ के जो बैठा हुआ है उसी को देना। ये देख लो घोड़ा जा रहा है, वहाँ पे भी जा रहा है, चाचा से पूछे तो बोले कि 2,00,000 रुपया पड़ रहा है एक घोड़ा का, 2,00,000। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं घोड़ा मार्केट, और ये देखो भाई पूरा घोड़ा, और सुनने में आया है 18,00,000 का सबसे महंगा घोड़ा है यहाँ पे, बाकी तो 2,00,000 पीछे आपको दिख ही गया था। और वहाँ रेस हो रहा, दिखाते आपको, ये देखो बूढ़ा बूढ़ा हो गया लेकिन जवानी का जोश नहीं गया है, ये देख लो भाई जवानी का जोश अभी तक नहीं गया, पूरा रोल में है चाचा, और तेज
अरे भाई और अबरी हाथी का नहीं लगा है। दस लाख 11 लाख तक के बिका है इस मंदिर में। एगो बोला 18 लाख के है, बोला 25 लाख का भी है इसमें इस मंदिर में। ₹800 किलो और 16 किलो के आसपास रहता है, मतलब 12,800 का ये गो लगभग, यानी 10-15 हज़ार का मान के चले बकरी मार्केट में। देख लो भाई मीम्स का यहाँ पे दुकान बन गया, भागम भाग होटल, उधर है जेठालाल, इधर अक्षय कुमार राजपाल। ये रहा पूरा थिएटर का लाइनअप, शोभा स्मार्ट थिएटर, ये इंडियन थिएटर है, आगे भी थिएटर है भाई, थिएटर का पूरा मार्केट ही है भाई। रेट ले देख सकते हो भाई, VVIP 1200, VIP 600, DC 300, स्पेशल 600। तो ये रहा भाई पूरा थिएटर अंदर तक है, 6 बजे से लेकर सुबह 4-5 बजे तक। तो देख लो गाइस, ये मैंने लिया अपने के लिए, की स्टैंड है, महादेव के नाम पे रखा हुआ रहेगा की। ये मेरा दोस्त लिया है गणेश जी, ये लोग दोस्ती लिया है ये सब। उसके बाद ये रहा हम लोग का गाड़ी, A2 बाइकर, सब्सक्राइब कर दो भाई। तो यही सब लिया, निकलते हैं यहाँ से। तो यही था भाई सोनपुर मेला, अब यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा सा टनल का आवाज़ सुनते हैं। अब जा रहे हैं घर की ओर। तो बेसिकली अब जो सोनपुर मेला पहले जो लगता था, अब वो वैसा रहा नहीं। पहले हाथी, ऊँट वगैरह, मतलब बहुत सारा पशु का लगता था। आप भी अभी तो जा रहे हैं तो भाई बहुत लिमिटेड ही जानवर हम लोग को दिखा है। और जैसा मेला भाई हर जगह डिज्नीलैंड में मेला में लगता है, उसी टाइप का इस टाइप तो यहाँ भी है। और कुछ खास ज़्यादा इस बार उतना लगा तो नहीं, हमको लगा कि भाई 2 साल बाद आ रहे हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा खासा होगा, बट उतना कुछ खास था नहीं, बस नॉर्मल जैसे मेला घूमते हैं तो वही चीज़ है। तो वीडियो को रखते इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, राइड सेफ।